हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है फ्राइडे और यूजुअली फ्राइडे वाले दिन ना मेरा मतलब ऐसा होता है कि बड़ा स्लो डाउन सा पूरा दिन गुजरता है। प्रेयर्स वगैरह, स्पेशल जो प्रेयर्स होती हैं फ्राइडे की। हाँ, वॉशरूम रहता है, वॉशरूम करोगे आप? वॉशरूम भी हो गया साफ? एक मिनट। ओके सॉरी। तो आज का दिन फ्राइडे वाले दिन मैं यूजुअली अपने प्रेयर्स वगैरह के लिए रखती हूँ। मैं अवॉइड ही करती हूँ कहीं बाहर जाना। अगर जाना भी होता है दोस्तों के साथ, थोड़ा आउटिंग हो जाती है। बट दीदी क्लीनिंग कर रही है तो फ्लश इधर उधर पानी की आवाज़ आ रही है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा अपना जो भी मेरे छोटे मोटे पेंडिंग वर्क थे वो सारे कर लेती हूँ और थोड़ा सा दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश। यार रुक जाओ, दीदी को ना थोड़ा सा वॉशरूम साफ करके जाने था क्योंकि कभी फ्लश की, कभी ब्रश की, कभी किसी चीज़ की आवाज़ आई जा रही है। वेट, दीदी का हो गया फ़ोन ऑफ और हो गया कि हाँ चलो। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि आज का दिन मैंने सोचा है मैं ना बिल्कुल ही लेजी वाला नहीं निकालूंगी पूरा दिन। क्यों यार दीदी, गेट क्यों खोल के चली गई? तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सिर्फ रूम घर पर रहूँगी, सारे जो छोटे मोटे पेंडिंग काम होते हैं वो करने हैं और क्लीनिंग करनी है, नमाज़ वगैरह। क्लीनिंग तो चली रही है, आप लोगों ने देख लिया। और इसके अलावा बस अभी ट्रोल कंट्रोल। हाँ फ़ोन ले लो दीदी, जा रहे हो? ओके, क्या दिखाने वाले थे आप मुझे फ़ोन में? वैसे वीडियो। हाँ, दीदी हाय बोलो। हाय। ओके, तो बस सफाइयाँ चल रही हैं अभी, इस रूम की हो चुकी है, दूसरे रूम की चल रही है सफाई। कूड़ा कचरा यहाँ, मत कपड़े भी धुल रहे हैं आज मतलब पूरा। ओहो, ये तो अभी तक गीला ही है पूरा। एक मिनट इधर आओ। किधर गई? सुनो, मैंने आपको लास्ट वीक बोला था ना। हाँ। मैं इसमें से कुछ चीजें निकालूंगी, ठीक है? दे। कैसे लेके जाओगे? दे। हाँ। बाय वॉक। हाँ। आप कर लो काम, मैं निकाल के यहाँ सब रखती हूँ, फिर आप देख लो। चलो ओके। कुछ चीजें मैंने काफी हद तक सॉर्ट कर दी हैं और ये सब चीज़ें हैं जो दीदी लेकर जाएंगी। दीदी आ गई। ये प्लास्टिक बैग्स हैं, हाँ इनमें डाल देंगे सारी। तो दीदी पूछ रही थी हमसे कि अगर हमारे पास छोटी प्लास्टिक, दीदी दिखाओ एक बार, देखो दीदी ने क्या किया है, सो इंटेलिजेंट। तो दीदी ने क्या करा है, इसको एक ही प्लास्टिक को ऐसे डिज़ाइन बना के, पता नहीं क्या, तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, वेरी गुड। उसको नोट बना के और फिर उसी में दूसरा स्पेस बना रही है दूसरी चीज़ डालने के लिए। बाय, थैंक यू। ये पूरा है ना? हाँ सब। चलो जी, शाम सब हो गया, दीदी जा चुकी हैं। तो काफ़ी हद तक मेरा सारा काम हो चुका है वैसे तो, बस अभी थोड़ा सा लेसन प्लान वगैरह रहता है वो मैं बनाऊंगी अभी बैठकर, और उसके बाद मैं बनाऊंगी पास्ता। बहुत टाइम से मैंने पास्ता नहीं बनाकर खाया, मुझे अपने हाथ का पास्ता, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपने हाथ की बनाई हुई अच्छी लगती है, तो पास्ता भी ठीक ठाक बना लेती हूँ। तो अभी जल्दी से लेसन प्लान बनाते हैं, लैपटॉप वगैरह सब कुछ मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो लेसन प्लान बनाने के बाद फिर पास्ता बनाऊंगी लंच में और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो लेट्स गो। यार मुझे ना बस यहाँ से सनसेट देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब भी सनसेट होता है या फिर बारिश, बड़ा प्यारा सा व्यू आता है। मेरे इंस्टाग्राम पर आप मेरी स्टोरीज़ देखते रहते होंगे वैसे। चलो अभी मच्छर ना आ जाए क्योंकि जगह जगह यहाँ पानी अभी भी क्लीनिंग पूरी चल रही है, पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है, तो बस ताकि मच्छर ना आए। तो ये नेट वाला सेफ है सबके लिए, जो भी अगर विंडो वगैरह ओपन भी रखते हैं तो ये नेट वाला क्लोज ही रखो ताकि मच्छर ना आए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस भी आ रहे हैं, ये
मलेरिया और टाइफाइड वगैरह के, सो प्लीज़ इसका भी ध्यान रखो। सो गाइज, यहाँ पर मैं बना रही हूँ लेसन प्लान, क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए मुझे प्रेजेंटेशन और लेसन प्लान जो है वो बनाने थे अपनी क्लासेस के लिए। तो बस जल्दी से अभी दोनों चीज़ बना लेते हैं ताकि इस काम से भी फ्री हो जाए। तो काम चल रहा है, लेसन प्लान बन रहा है, और लेसन प्लान के बीच में ना बनाते बनाते, मतलब पता नहीं, एक मेरी हैबिट है कि जब भी मैं या फिर कोई भी काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ ना, मेरा मुंह चलते रहना चाहिए। तो अभी मैं क्या खा रही हूँ गेस करो। तो अभी मैं खा रही हूँ लड्डू, और ये मैं लेकर आई थी इंडिया से, और इंडिया के मतलब इंडिया में भी हरियाणा साइड से, मेवात से, जो बहुत ही फेमस लड्डू है ना, चौधरी करके कुछ नाम है, वहाँ से आए थे। तो मैं वो खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, बड़े मज़े के हैं। पूरा डब्बा लेकर आई थी, मैंने पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया, बस थोड़े से बचे हैं, वो भी मेरे बस 2-3 दिन के, वो मैं ख़त्म कर दूँगी। मैं आपको बता रही थी ये ना, मतलब इतने ही बचे हैं, मतलब ये पूरा डब्बा था 1 किलो का। और ये इतने मज़े के हैं ना, बस मैं क्या बताऊँ आपको, जिसके भी मुँह में पानी आ रहा हो उसके हिस्से का भी मैं ही खा रही हूँ। सो गाइज, अभी मगरिब की नमाज का टाइम है, अजान जस्ट हुई है अभी, तो मैं पहले नमाज पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बाहर वॉक पे जाना है, डिनर करना है घर पर ही, अगर डिनर करना है तो फिर देखना है कि क्या बनाना है। कल से मैंने घर बात नहीं की है, फिर घर बात करूँगी वीडियो कॉल पे। बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, बट आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा वैसे ओवरऑल। सो मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए मगरिब की, और फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ उसके बाद। बाय द वे गाइस, शिति आ चुकी है ऑफिस से, और आते उसने मुझे ये ऑफर किया है, ये अभी मैंने लड्डू खाया था, फिर उसने मुझे ये दिया है। अगेन जस्ट से स्लोली, क्या बोलते हैं, कपलंडी मींस पीनट्स, ओके, मिठाई मींस स्वीट, मिठाई मींस मिठाई, सेम, वी कॉल इट मिठाई, यू कॉल मिठाई, मिठाई और पीनट्स, व्हाट इट कॉल, कपलंडी मिठाई, कपलंडी मिठाई, गुड़ की पट्टी, विल जस्ट मैं याद करूंगी इसको, कपलंडी मिठाई। बाय द वे महिमा आ चुकी है, महिमा भी आ गई है, तो उसने बोला था हम वॉक करने चलता है, तो चल रहा है। इसको भी लेना है। आओ पधारो हमारे घर। यू वॉन्ट टू हैव कपलंदी मिठाई? नो, तेरे को पता है इसको क्या बोलते हैं केरला लैंग्वेज में? क्या? अभी मुझे इसने शितिमा ने सिखाया, इसको बोलते हैं कपलंदी मिठाई, मिठाई कपलंदी मिठाई, चिक्की नहीं यार, दिल्ली वाले बोलते हैं गुड़ की पट्टी, पट्टी, उल्लू की पट्टी, गुड़ की पट्टी। मीटिंग के ऊपर कल का देखते हैं, हो सकता है कल हम वैसे भी प्लान में उसको भी बोल दूं कि चल बस दुबई के एक राउंड ऐसे जस्ट लॉन्ग ड्राइव टाइम। सो तू नहीं दिख रही वैसे, मिशेश गाइस वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, घर में बैठे बैठे ना बहुत बोरिंग हो गया है, सो वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ क्विक वॉक, उसके बाद आके डिनर। गाइस हम आ चुके हैं कॉर्निश एरिया में वॉक करने के लिए, और मौसम अच्छा है तो बस हम इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, उसके बाद वापस से घर जाएंगे, डिनर साथ में बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। एज यूजुअल। सो गाइज हम आ चुके हैं नूर मॉस के पास वॉक करने के लिए, और महिमा कुछ बोलना चाहोगी नूर मॉस के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और कोई वर्ड याद है तेरे को वो भी बोल दे यार, वाकई कितनी प्यारी है लेकिन ये मुझे बहुत किसी ने बोला था, क्या कोई ऐसे ब्यूटीफुल का ही कुछ वर्ड बोला था। हाँ उसको देख के ही माशाल्लाह 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 फॉर दिस मोस्ट सुभान अल्लाह, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत 5 मिनट की वॉक करके ऐसा हमारे बारी बोल के जाते हैं और होता नहीं है, नहीं ठीक ठाक वॉक की है वैसे हमने, बहुत ज्यादा भी नहीं की, बहुत कम भी नहीं की, ठीक ठाक की है, और अभी मतलब इतनी हो गई है कि भूख लग गई है, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं की। यस नो नो नो, मैं बनाऊंगी, खा साथ में लेंगे, काम की बात नहीं है।
सो वी आर बैक। अभी जल्दी से बनाना, देख आलू बॉयल होने में क्या कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। डोसा बैटर रेडी है बिल्कुल, बस 2 मिनट में बना देंगे हम मसाला डोसा। सो लेट्स गो। ओके, तो महिमा ने आलू का मसाला बनाया है, दिखा तो, दिख रहा है? हाँ। तो ये हमने आलू का मसाला बना लिया है और यहाँ अब मैं बना रही हूँ डोसा, जो कि बहुत मेहनत से मैंने ये बैटर बनाया है, जस्ट अभी फ्रेश। बस खोल के डब्बे में डालने की मेहनत करी है इसने। रेडीमेड था, बस अब जल्दी से बना लेते हैं और फिर आप ये इसका डोसा जा रहा है। आपको फाइनल लुक दिखाएंगे जब हम प्लेट सर्व करेंगे। वैसे मैंने यहाँ आके सीख लिया है, यूएई में आके एक नई चीज जो मैंने अपनी स्किल में ऐड करी है वो है डोसा। बस उसके बाद अब ये डोसे का बैट वो रेडी लगाएगी डोसे की और वही बना के खिलाया करेगी सबको। तेरे को पता है दिल्ली में कितने बड़े शौकीन है डोसा के? तो कि वहाँ पे साउथ इंडियंस कम है ना, रेस्टोरेंट्स भी कम है, थोड़ा लगाना भाई ये दुनिया भर का। तो अब हम फिलिंग कर रहे हैं जो मसाला, और तूने नमक वमक चेक किया था इसमें सब ठीक है? हाँ, चेक कुछ नहीं किया है। हाँ, बस एक एक्सपीरियंस से बोल दिया क्योंकि कुकिंग में इसका हाथ थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ठीक ठाक है। तो बस यहाँ हमारा तैयार हो चुका है मसाला डोसा, इसको कर देंगे फ्लिप फ्लॉप। और हमारे पास ना चटनियाँ नहीं है, वो चटनी नहीं है हमारे पास कुछ। सो वन डोसा इज रेडी, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म डोसा आपके लिए तैयार है, 2500 रुपये प्लेट। इतना सस्ता दिल्ली में तो उससे बहुत महंगा। हमने यहाँ पे नींबू पानी टाइप बनाया, काला नमक वमक डाल दिया, उसमें डाल रहे हैं हम सोडा और यहाँ हमारा मसाला डोसा तैयार है। बस जो कमी है ना वो है चटनियों की, जो इसकी कोकोनट और वो होती है, बट एनीवेज हम केचप ले लेंगे फिलहाल। और यहाँ पर हमारा सोडा तैयार है और लेट्स गो ईट। बहुत ज़्यादा भूख लगी है बिहाइंड द सीन्स। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और अब हम जल्दी से खाना इंजॉय कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी और टाइम भी ज़्यादा हो गया। उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप होना है और थोड़ा बहुत काम भी करना है। सो यहाँ ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।